जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। बता दें कि शनिवार को जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में हुई दो मुठभेड़ में दो जवान भी बलिदान हो गए हैं। आतंकियों के साथ हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने कम से कम 6 आतंकवादियों को भी मार गिराया है। मुठभेड़ कुलगाम के मोदर गांव और चिनी गांवों में हुई है। बता दें कि 6 आतंकवादियों में से 2 मोदर गांव में और बाकी 4 चिनी गांव में मारे गए हैं। मोदरगाम और कुलगाम के एक बाग में बने ठिकाने में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है। वहीं चिनीगाम फ्रीसर में एक और आतंकवादी के छिपे होने की संभावना है। फिलहाल आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी है। आतंकवादियों के खिलाफ यह अभियान ऐसे दिन हो रहा है जब खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। वहीं पहली मुठभेड़ मोदरगाम गाँव में हुई है, जहाँ पैरा कमांडो लांस नायक प्रदीप नैन बलिदान हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान शुरू किया और कम से कम 2 से 3 आतंकवादियों को उनके ठिकाने पर घेर लिया है। वहीं दूसरी मुठभेड़ फ्रीसल चिनीगाम गांव में हुई, जब सुरक्षा बलों को इलाके में संभावित लश्कर ए तायबा के आतंकवादियों के बारे में सूचना मिली। ऑपरेशन के दौरान प्रथम राष्ट्र राइफल्स के हवलदार राजकुमार भी बलिदान हो गए हैं। गांव पहुंचने पर एक घर में छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर अचानक से गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों जगहों पर भीषण गोलीबारी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।